हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। फ्रेंड्स प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखा जाए तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल जितने भी चीजें कंट्रोल की जा रही है वो सेंसर के बेस पे ही की जा रही है। तो यदि आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर का नॉलेज होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल जितनी भी चीजें कंट्रोल की जा रही है वो सेंसर के बेस पे ही कंट्रोल की जा रही है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम यही देखेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर कितने टाइप्स के होते हैं, और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल के लिए देखेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर से। ये हमारे पास लेंथ काउंटर मीटर है, लेंथ काउंटर मीटर में हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर का कनेक्शन करेंगे और इस लेंथ काउंटर मीटर से लेंथ काउंट करेंगे, दैट मींस कितना फैब्रिक है, कितनी चीजें हमारी काउंट करेंगे, कितना मीटर बन चुका है। फ्रेंड्स ये जस्ट प्रैक्टिकल के लिए करेंगे, आगे भी हम इस पे कई वीडियो बनाएंगे, दैट मींस किस तरह मैग्नेटिक सेंसर का कनेक्शन किया जाता है, किस तरह मैग्नेटिक सेंसर वर्क करता है। तो फ्रेंड्स आगे हम इसके ऊपर और भी वीडियो बनाएंगे, जस्ट अभी प्रैक्टिकल के लिए देखेंगे कि इसमें लेंथ काउंटर मीटर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। और फ्रेंड्स इसके बाद देखेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर के आजकल एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। और फ्रेंड्स जैसे कि अभी हम टाइप्स में क्लियर करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स जो एनपी और पीएनपी होते हैं, दो तरह के सेंसर होते हैं, तो किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे जो सेंसर है वो पीएनपी है या एनपीएन। तो फ्रेंड्स इतना ही टॉपिक्स को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे और आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे हमारा जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर किस तरह काम, किस तरह वर्क करता है और उसकी टेस्टिंग किस तरह की जाती है कि हमारा जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो सही है या खराब। तो फ्रेंड्स ये दो टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी सेंसर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है वो आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्चुअली प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता क्या है। तो फ्रेंड्स प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखा जाए तो एक तरह का सेंसर होता है जो किसी भी डिवाइस को सेंस करके उसे स्विचिंग का काम करता है। दैट मींस फ्रेंड्स क्या होता है, सपोज हम किसी भी सेंसर को, सपोज इस सेंसर को हमने मेटल को सेंस करने के लिए बनाया है, तो जैसे ही इसके सामने कोई मेटल आएगी तो ये मेटल को सेंस करेगा और जो भी हमारे डिवाइस को ऑन ऑफ करना हो उसे ऑन ऑफ करके स्विचिंग करेगा। दैट मींस फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है और जैसे उस रेडिएशन के सामने वो टारगेट आता है जिसे हमने उसे सेंस करना है तो वो स्विचिंग करता है। दैट मींस फ्रेंड्स किसी भी टारगेट को स्विचिंग करने के लिए हम जनरली प्रॉक्सिमिटी सेंसर को यूज करते हैं। फ्रेंड्स प्रॉक्सिमिटी सेंसर जनरली हम इससे मैग्नेट सेंसिंग के लिए भी यूज करते हैं, फैब्रिक सेंसिंग के लिए भी यूज करते हैं, कागज सेंसिंग के लिए यूज करते हैं और फ्रेंड्स कई तरह के सेंसर्स के लिए यूज करते हैं। आजकल हर जगह पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स यूज होता है, जैसे मोबाइल में भी इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स टाइप्स देखे जाए तो ये कई टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू पहले हम फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए फ्रेंड्स टाइप्स देखते हैं। फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू इसका आउटपुट सप्लाई देखा जाए, दैट मीन्स कैसा आउटपुट करेगा, तो ये दो टाइप के होते हैं। आउटपुट बेस पे देखा जाए तो एनपीएन और पीएनपी दो टाइप्स के होते हैं। हमारे जनरल जो सेंसर होता है उस पर लिखा भी होता है कौन सा सेंसर हमारा एनपीएन और कौन सा पीएनपी है। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये जो सेंसर है ये जनरली हमारे पास जो है फोकस अप कर लेते हैं, ये पीएनपी सेंसर है। तो फ्रेंड्स जो भी हमारे पास सेंसर होता है उसे हमने लिखा हुआ होता है कि वो एनपीएन या पीएनपी। तो फ्रेंड्स जो एक्चुअल जस्ट देख लेते हैं, जो हमारा एनपीएन सेंसर होता है उसका आउटपुट हमें नेगेटिव मिलता है, दैट मींस उससे कोई भी चीज कंट्रोल होगी वो नेगेटिव होगी। और जो फ्रेंड्स पीएनपी सेंसर होता है इससे हमें जो आउटपुट मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है। दैट मींस फ्रेंड्स किसी भी सेंसर को हम एनपीएन, जहां पे हमें नेगेटिव आउटपुट की जरूरत होती है वहां पे हम एनपीएन सेंसर यूज करते हैं, और जहां पे हमें पॉजिटिव आउटपुट की जरूरत होती है वहां पे हम पॉजिटिव सेंसर यूज करते हैं। फ्रेंड्स हम लास्ट हम देखे किसी भी सेंसर को किस तरह पता करें कि वो एनपीएन या पीएनपी। यदि उसके ऊपर से जो स्लिप होती है वो मिट भी जाए तो हम पता कर सकते हैं कि वो एनपीएन या पीएनपी। तो हम लास्ट हम देखेंगे किस तरह पता करते हैं हमारा सेंसर एनपीएन है या पीएनपी। फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू वर्किंग देखी जाए तो हमारे सेंसर टू टाइप्स के होते हैं, इंडक्टिव टाइप और कैपेसिटिव टाइप। फ्रेंड्स जहां पर भी हमें मेटल को सेंस करना होता है वहां पर जनरली जो हमारा सेंसर यूज होता है वो इंडक्टिव टाइप का होता है। दैट मींस यहाँ पे भी मेटल यदि सेंसर के सामने आए और हमें स्विचिंग करवाना हो तो वहां पे हमें इंडक्टिव टाइप का जो सेंसर है यूज करना होगा। और फ्रेंड्स अदर टाइप होता है वो होता है कैपेसिटिव टाइप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमें कलर को, फैब्रिक को, प्लास्टिक को, अदर टाइप को यहाँ पे भी सेंसिंग की हमें रिक्वायरमेंट होती है। दैट मींस हम चाहते हैं कि यदि प्लास्टिक इसके सामने आए
है हमारा सेंसर सेंस करे, तो उस जगह पे जो सेंसर यूज होगा वहां पे हमें कैपेसिटिव टाइप का सेंसर को यूज करना होगा। फ्रेंड्स सेंसर जनरली टू टाइप्स के होते हैं, वर्किंग में टाइप देखा है तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो और इसके अलावा फ्रेंड्स सेंसर में हमने अधिकतर देखा होगा वायर के बेस पे देखा जाए तो ये चार टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा आउटपुट वायर होते हैं ये फ्रेंड्स कहीं कहीं सेंसर में दो वायर भी निकले हुए होते हैं, कहीं तीन वायर निकले हुए होते हैं, कहीं सेंसरों में चार वायर निकले हुए होते हैं, कहीं पे पांच वायर निकले हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक सेंसर है इसमें तीन वायर निकले हुए हैं। तो फ्रेंड्स जहां जहां पे भी जिस हिसाब से वायर निकले होते देख लेते हैं उन वायरों का फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स जनरली देखा जाए तो दो वायर का सेंसर होते, तीन वायर का सेंसर होते, चार वायर और पांच वायर का सेंसर होते। तो फ्रेंड्स जो दो वायर का सेंसर होते उसमें क्या होता है वो हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे भी दो वायर का सेंसर यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने यदि कोई दो वायर का सेंसर आता है दैट मीन्स उसमें क्या होगा, दो वायर निकले हुए आपको मिलेंगे, एक होगा ब्राउन वायर और एक होगा ब्लू वायर। तो फ्रेंड्स आपको जनरली इसमें कॉमन वायर आपको जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स जो ब्राउन वायर होता है वो होता है प्लस 24 वोल्ट, दैट मीन्स इस सेंसर में हमें 24 वोल्ट ब्राउन में देना होगा। फ्रेंड्स एक बात का हमेशा ध्यान रखे, सेंसर कोई भी हो ब्राउन अधिकतर तो 99% तो क्या होता है जिसमें हमें पॉजिटिव सप्लाई ही देना होती है। यदि आपका सेंसर 24 वोल्ट का तो 24 वोल्ट, 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट। तो फ्रेंड्स ब्राउन जहां पे भी होता है उसे जनरली हम पॉजिटिव सप्लाई के लिए ही यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स जो ब्राउन होगा उसमें 24 वोल्ट देना होगा और ब्लू जनरली कॉमन होगा जिससे हमें आउटपुट मिलेगा। सामने जैसे कोई भी सेंसिंग डिवाइस आएगी, सपोज यहाँ पे हमने कोई सेंसिंग डिवाइस रखी जिसे से सेंस करना है, तो जैसे इसके सामने सपोज मेटल रखी, मेटल इसके सामने आती है तो यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स दो वायर का जनरली यही होता है, अधिकतर दो वायर जनरली यूज नहीं किए जाते, बट दो वायर में एक कॉमन टर्मिनल होता है और एक होता है प्लस का। फ्रेंड्स तीन वायर में देखा जाए तो तीन वायर में क्या होता है, हमें तीन वायर निकले हुए मिलते हैं जो कि होते हैं ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। दैट मीन्स क्या होता है, जो ब्राउन हमारा होता है वो होता है 24 वोल्ट, दैट मीन्स इसे भी हमें 24 वोल्ट, यदि 12 वोल्ट का हो तो 12 वोल्ट। और जो ब्लू होता है वो जनरली होता है हमारा कॉमन टर्मिनल, दैट मीन्स इसे नेगेटिव हमें सप्लाई देना होगी। और जो ब्लैक होता है वो ब्लैक को जनरली हम एनओ के रूप में यूज करते हैं, दैट मीन्स हम चाहते हैं कि कोई डिवाइस हमारी, तो फ्रेंड्स यदि हम चाहते हैं कि कोई भी डिवाइस हमारे जैसे इसके सामने जिसका ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट हमने रखा है, तो किसी अदर डिवाइस को इससे ऑन करना हो तो हम इस टाइप के जो सेंसर होता है इसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स जो ब्लैक होता है अधिकतर जो होता है वो एनओ के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंड्स जहां पे चार वायर होते हैं, फोर वायर का जो सेंसर होता है उसमें हमें तीन चार कलर मिलते हैं, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक और वाइट। फ्रेंड्स चार कलर हमें यहाँ पे मिलते हैं, जो ब्राउन होता है उसमें हमें 24 वोल्ट देना होता है, जो ब्लू होता है वो कॉमन होता है, और जो ब्लैक जिस तरह इसमें दिखाया था वो एनओ ही होता है, और जो फ्रेंड्स अदर जो चौथा होता है व्हाइट कलर का जो वायर होता है, व्हाइट कलर का जो वायर होता है जनरली एनसी होता है, दैट मीन्स किसी भी डिवाइस को ऑफ करवाना हो, दैट मीन्स फ्रेंड्स जहां पे हमें दो चीजों को एक साथ ऑन ऑफ करवाना हो वहां पे हम इस सेंसर का यूज करते हैं, तो जो व्हाइट होता है वो जनरली एनसी के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंड्स जो फाइव वायर का जो सेंसर होता है उसमें देखा जाए तो पांच वायर हमें निकले हुए मिलते हैं, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और पांचवा वायर हमें अलग से मिलता है ग्रीन। तो फ्रेंड्स इसमें उसी तरह कनेक्शन होता है, जो ब्राउन होता है उसमें 24 वोल्ट देना होगा, ब्लू कॉमन होगा, जो ब्लैक हमें दिया गया है वो एनओ होगा और व्हाइट हमारा एनसी होगा। और फ्रेंड्स जो ग्रीन वाला वायर हमें पांचवा मिला है वो भी हमें एनओ मिलेगा, दैट मीन्स हमें ज्यादा दो एनओ को जहां पे रिक्वायरमेंट होती है वहां हम पांच वायर का सेंसर को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो सेंसर के वायर के बेस पे होते हैं उनका कनेक्शन इस तरह किया जाता है, अधिकतर जो ब्राउन होता है उसमें हमें 24 वोल्ट ही देना होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने देखा कि वायर के बेस पे सेंसर कितने टाइप्स के होते हैं। फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू वोल्टेज देखा जाए तो हमारे पास जो सेंसर होते हैं वो 12 वोल्ट के भी होते हैं, 24 वोल्ट के भी होते हैं और 230 वोल्ट के भी हमें सेंसर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स सेंसर की सप्लाई एसी डीसी जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह होती है, बट अधिकतर जो सेंसर हम यूज करते हैं वो डीसी पे ही वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स अधिकतर सेंसर डीसी के होते हैं बट एसी के भी सेंसर कहीं कहीं पे हमें मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देखा कितने टाइप्स के होते हैं, कितने वायर के टाइप्स है, बेस के टाइप पे, वर्किंग टाइप पे। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ उसके टाइप्स। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि कितने टाइप्स के होते हैं, अब हम इसका देख लेते हैं लेंथ काउंटर मीटर में कनेक्शन करके
किसी भी जो ऑब्जेक्ट की लेंथ को किस तरह काउंट कह रहा है। फ्रेंड्स हम सपोज कोई मशीन चला रहे हैं, उसमें कितना फैब्रिक यदि रन करवा रहे हैं, कितना फैब्रिक बना, कितना मीटर फैब्रिक बना, तो उसके काउंटिंग के लिए हम जनरली यहाँ पे लेंथ काउंटर मीटर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लेंथ काउंटर मीटर में प्रॉक्सिमिटी सेंसर का कनेक्शन किस तरह से करेंगे, पहले इसका कनेक्शन हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स जैसे इसमें ओवर व्यू के लिए करेंगे, इसके ऊपर हम एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें इसमें किस तरह की इसकी सेटिंग की जाएगी, किस तरह सेंसर का कनेक्शन किया जाता है, किस तरह से मशीन में फिट किया जाता है और किस तरह से लेंथ मेजर की जाती है, उसको पर फ्रेंड्स हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इसमें जस्ट कनेक्शन समझाने के लिए बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कनेक्शन हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स जो इसमें एक नंबर है और दो नंबर है, हमें 230 वोल्ट एसी सप्लाई देना होगी। ये पांच नंबर जो होता है वो एनसी होता है, छह नंबर कॉमन होता है और जनरली सात नंबर देखा जाए तो एनओ होता है। तो फ्रेंड्स किसी भी डिवाइस को यदि हम चाहते हैं कि सेंसर सेंस करे, तो किसी भी डिवाइस को ऑन करना हो तो हम एनसी से कनेक्शन ले लो, किसी को भी ऑफ करना हो एनओ से कनेक्शन ले लो, किसी को भी ऑफ करना है तो एनसी से ले लेंगे। फ्रेंड्स ये तो हुआ कंट्रोलिंग का, तो अभी हमें किसी को ऑन ऑफ नहीं करना है, जस्ट हमें क्या करना है, लेंथ काउंट करना है। फ्रेंड्स यदि हमारे पास कनेक्शन यहाँ पे देख लेते, यदि हमारी जो सेंस जो प्रॉक्सी है वो एनपीएन टाइप की है, तो एनपीएन टाइप की प्रॉक्सी में क्या करना होगा, हमें 19 और 20 को शॉर्ट करना होगा। तो 19 और 20 को हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स 19 और 20 सेट शॉर्ट हो गया, प्रॉक्सी का कनेक्शन हम कैसे करेंगे, प्रॉक्सी के जो तीन वायर निकले हुए होते हैं, इट मीन्स 18, 19 और 17, 18, 19 में हमें कनेक्शन करना होगा। तो फ्रेंड्स हम कनेक्शन किस तरह से करेंगे, तो फ्रेंड्स यदि हमारे पास एनपीएन एकदम कनेक्शन इस तरह से करेंगे, 19 और 20 को शॉर्ट किया, 19 में हमें जो इसका पॉजिटिव होता है सेंसर का, दैट मींस जो रेड वाला वायर होता है 19 में हमें ये वाला लगाना है, 18 में हमें जनरली ब्लू वाला लगाना है, जो ग्राउंड होता है वो जो हमारा फ्रेंड्स जो ग्राउंड होता है वो हम यहाँ पे 17 में लगाएंगे, दैट मींस 17 में हम लगाएंगे जो ब्लू वाला वायर होता है वो, और 18 में इसका ब्लैक वाला लगाएंगे जो आउटपुट इसका होता है वो। तो फ्रेंड्स यदि हमारे पास एनपीएन सेंसर है तो हम इस तरह कनेक्शन करेंगे, बट फ्रेंड्स हमारे पास जो कनेक्शन जो सेंसर है वो पीएनपी सेंसर है, तो पीएनपी के लिए हम कनेक्शन किस तरह करेंगे। तो फ्रेंड्स पीएनपी के लिए देखा जाए तो हमें क्या होगा, 17 और 18 को शॉर्ट करना होगा, दैट मींस इससे और इसे शॉर्ट करेंगे हम पहले 17 और 18 को। अब फ्रेंड्स उसके बाद कनेक्शन किस तरह करना है हमें, तो उसका कनेक्शन देखा जाए 17 18 शॉर्ट हो गए, तो हमें क्या करना है, 18, 19, 20 में कनेक्शन करना है, तो 20 में हमें देना है प्लस और 19 से हम आउटपुट लेंगे और 18 में हमें ग्राउंड देना है। तो फ्रेंड्स ये तो हम कनेक्शन प्रॉक्सिमिटी सेंसर का किस तरह करेंगे ये देखा है। अब हम फ्रेंड्स प्रैक्टिकली कनेक्शन कर लेते हैं और इसे किस तरह लेंथ को मेजर की जाएगी वह देख लेंगे। फ्रेंड्स इसमें जस्ट ऑल व्यू के लिए देखेंगे, इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे उसमें अच्छे से देखेंगे। फ्रेंड्स इसका हम कनेक्शन पहले करके देख लेते, बना लेते हैं, उसके बाद देखिए किस तरह इसकी लेंथ को मेजर कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें जो रीडिंग बताएगा वो कितने मीटर फैब्रिक अभी बना है वो बताएगा, और यदि फ्रेंड्स इसी स्पीड से यदि हमारा फैब्रिक बनता रहा तो एक मिनट में कितना फैब्रिक बनेगा वो यहाँ पे बताएगा। तो फ्रेंड्स इसका पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह इसमें जो काउंटिंग है वो हो रही है। फ्रेंड्स हमारा लेंथ काउंटर मीटर का कनेक्शन हो गया है और कनेक्शन हमने उसी तरह से किया जिस तरह दिखाया था। फ्रेंड्स हमारे पास पीएनपी सेंसर है, तो पीएनपी टाइप सेंसर का जो कनेक्शन था वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फेज और न्यूट्रल दिया, लाइन और न्यूट्रल। तो फ्रेंड्स यदि आपके पास पीएनपी सेंसर है जिस तरह ये बोल रहा था, 17 और 18 को शॉर्ट कीजिए, 17 और 18 को हमने शॉर्ट किया और 17 या 18 में से किसी भी पिन पे आप यहाँ पे ग्राउंड दे दीजिए, तो यहाँ पे हमने ग्राउंड दिया और 20 में हमने पॉजिटिव दिया, दैट मीन्स प्लस 12 वोल्ट यहाँ से निकलेगा और जो हमने ब्लैक वायर था आउटपुट का वो 19 में दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कनेक्शन किया है पीएनपी सेंसर का जिस तरह इसमें दिया गया था। अब हम देख लेते हैं किस तरह ये लेंथ को मेजर करेगा। फ्रेंड्स वैसे तो हमें इसे मशीन में फिट करना होता है और उसमें डाया सेट करना होता है, दैट मीन्स एक राउंड में कितनी लेंथ होगी तो हम इसमें सेट कर देंगे, तो उस हिसाब से ये लेंथ काउंट करता है। फ्रेंड्स उसके ऊपर हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे किस तरह डाया सेट करते हैं, किस तरह से मशीन में फिट करते हैं, किस तरह वर्क करता है, उसके ऊपर हम आगे अच्छे से वीडियो बनाएंगे। अभी जस्ट देख लेते हैं किस तरह वर्क कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स इसे हम ऑन कर लेते हैं पहले। फ्रेंड्स जैसे हम इसे ऑन करते हैं हमारा लेंथ काउंटर मीटर ऑन हो गया है। अब इसके सामने जैसे ही जितनी जितनी देरी पे ये आएगा उतनी लेंथ को मेजर करेगा। तो फ्रेंड्स अभी देख लेते हैं ये हमारा जो सेंसर है, तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी ये मेजर कर रहा है, दैट मींस फ्रेंड्स यदि इतनी ही स्पीड से फैब्रिक बनता रहा तो अभी जस्ट देखिए तो 0.3 मीटर फैब्रिक बन चुका है, और यदि इतनी स्पीड से फैब्रिक बनता है तो एक मिनट में 2.75 मीटर फैब्रिक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये
लेंथ को मेजर करता है कि कितना फैब्रिक बन चुका है और कितना बनेगा। तो फ्रेंड्स ये तो जस्ट इसी तरह से हमने बेसिक दिखाया था, इसके ऊपर हम आगे चल के सेटिंग किस तरह की जाती है, किस तरह बनाया जाता है, वो आगे हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से आगे वीडियो बनाएंगे जल्द ही। तो फ्रेंड्स ये तो लेंथ काउंटर मीटर में प्रॉक्सिमिटी सेंसर का कनेक्शन करके लेंथ को किस तरह मेजर की जाती है दिखाया था। अब हम फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हमारा जो सेंसर है ये पीएनपी है या एनपीएन, किस तरह हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम पहले बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं हमारा सेंसर पीएनपी है या एनपीएन किस तरह देखेंगे। फ्रेंड्स वैसे तो इसके ऊपर हमने प्रैक्टिकल एक वीडियो बना दिया है जिसमें हमने इसे मल्टीमीटर से मेजर करके भी बताया किस तरह हम मल्टीमीटर से मेजर करेंगे, प्रैक्टिकली दिखाया। बस फ्रेंड्स इसमें जस्ट समझने के लिए बता देते हैं किस तरह हमारा सेंसर पीएनपी है या एनपीएन पता करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास 3 वायर का एक सेंसर है जिसमें ब्राउन, ब्लैक और ब्लू 3 वायर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ब्लैक वाला जो है ये आउटपुट है और ब्राउन जनरली 24 वोल्ट पॉजिटिव यदि 24 वोल्ट का है तो, और ये 0 वोल्ट है। तो फ्रेंड्स इसे मल्टीमीटर से किस तरह टेस्ट करेंगे इसमें हम जो समझ लेते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया उसमें प्रैक्टिकली दिखाया जिसे समझने के लिए। तो फ्रेंड्स सपोज ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर के 2 टर्मिनल है प्लस और माइनस। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जैसे ही फ्रेंड्स ये इंडक्टिव सेंसर के सामने कोई मैग्नेट आती है तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये आउटपुट देगा हमें से, दैट मींस यहाँ पे हमने सप्लाई दी है, जैसे इसके सामने हम मैग्नेट लाते हैं दैट मींस ये सेंसर हमारा सेंसर के सामने जैसे कोई मैग्नेट लाते हैं तो ये ऑपरेट होगा। ऑपरेट होने के बाद यदि पीएनपी सेंसर है हमारा तो पीएनपी में क्या करेगा, यहाँ से सप्लाई निकालना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम इसे पता किस तरह करेंगे कि पीएनपी है या एनपीएन। तो फ्रेंड्स हम 0 वोल्ट के साथ 0 वोल्ट को देंगे और जो आउटपुट है आउटपुट हम यहाँ पे लगाएंगे। यदि मैग्नेट लाने के बाद हमारा सेंसर ने यहाँ पे 24 वोल्ट दिया प्लस का तो जो हमारा सेंसर है वो जनरली पीएनपी है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम पता कर सकते हैं हमारा सेंसर पीएनपी है या एनपीएन। हमें जस्ट नेगेटिव और आउटपुट पे मल्टीमीटर को लगाना है, यदि सप्लाई पॉजिटिव आती है तो हमारा सेंसर पीएनपी है। फ्रेंड्स इसी तरह एनपीएन को किस तरह करेंगे, ये फ्रेंड्स हमारा मल्टीमीटर की 2 टर्म है। फ्रेंड्स मल्टीमीटर का पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये ब्राउन ब्लैक आउटपुट ब्लू नेगेटिव, और यहाँ पे जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पे कोई लगाएंगे दैट मीन्स जैसे ही हम यहाँ पे मैग्नेट सामने आता है सेंसर के, सेंसर ऑपरेट होता है। फ्रेंड्स हम इसे कैसे पता करेंगे हमारा एनपीएन है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे पॉजिटिव को जो सेंसर का पॉजिटिव है फ्रेंड्स ये ध्यान रखें, जो पॉजिटिव है ये सेंसर के पॉजिटिव पे और आउटपुट यहाँ पर नेगेटिव पे। और फ्रेंड्स जैसे इसके सामने कोई मैग्नेट आता है तो हमारा सेंसर ऑपरेट होगा। यदि ऑपरेट होने के बाद यहाँ पे 0 वोल्ट आता है दैट मीन्स अगर 0 वोल्ट आ गए ऑपरेट होने के बाद तो जो हमारा सेंसर है वो एनपीएन है। फ्रेंड्स इस तरह हम पता कर सकते हैं कि हमारा सेंसर पीएनपी है या एनपीएन बड़ी ही आसानी से। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स आगे चल के हम इसकी वर्किंग किस तरह करता है और किस तरह इसकी टेस्टिंग करेंगे कि हमारा जो सेंसर वो सही है या खराब किस तरह होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसकी वर्किंग देखेंगे, वर्क किस तरह करता है, क्यों इसके सामने कोई मेटल लाई जाती है तो क्यों सेंस करता है। वैसे फ्रेंड्स इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे किस तरह ट्रांजिस्टर वर्क करेगा और किस तरह इसकी हम टेस्टिंग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसा लग रहे हैं जिससे हम आगे चल के आपके लिए और भी बेटर वीडियो बना सकेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।